अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सेमेस्टर शुरू हो चुका है। यूँ तो आपका ये सेमेस्टर बाकायदा मतलब रेगुलर क्लासेस होनी थी, लेकिन कोरोना के पेश नज़र दोबारा जो है वो ऑनलाइन सिलसिला शुरू हो गया है। एनीवे, इस सेमेस्टर में हम क्लासिकी उर्दू शायरी के हवाले से बात करेंगे। क्लासिकी उर्दू शायरी की तफसील में जाने से पहले हम देखेंगे कि लफ्ज क्लासिक, क्लासिकी, क्लासिकियत जो एक ही लफ्ज से आगे मिलकर बने हैं, इनमें क्या फ़र्क है। मनी और मफहूम के एतबार से नाकदीन ने इनकी क्या तारीफ़ें की हैं वगैरह। क्लासिक दरअसल मगरबी अदबी रवायत में क्लासिक से अमूमन तीन मतलब लिए जाते हैं। अव्वल ये कि कदीम यूनान और कदीम रोमा का अदब, दूसरे किसी ज़ुबान का वो तमाम शेरी या नसरी सरमाया जिसे एक मुद्दत से कबूले खासो आम हासिल हो और जो अदबी हलकों और नाकदों की नज़र में बड़ी अहमियत का हामिल हो। तीसरे ये कि बाज़ औक़ात किसी ज़ुबान में ताज़ा तसनीफ को इस ख़याल से कि शायद इसकी अहमियत मुद्दतों बरकरार रहेगी, क्लासिक कह दिया जाता है। उर्दू में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल में एहतियात से काम नहीं लिया जाता। हर पुरानी अदबी तसनीफ को क्लासिक के ज़ुमरे में शामिल करने की रविश आम है, चाहे इसमें कदामत के सिवा कोई खूबी ना हो या वो महज लिसानी एतबार से तवज्जो की मुस्तहिक हो। अभी हमने देखा कि क्लासिक को जो है ना वो तीन मुख्तलिफ उसकी तारीफ़ें या तीन मुख्तलिफ मफहूम उसके बयान किए गए हैं जो एक दूसरे से जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि असल में क्लासिक किसे कहते हैं। इंसान की मुतख़य्यला सरगर्मियों तख्लीकी कुव्वत के इजहार का नाम आर्ट है। अदब हो या मुसव्वरी, मौसीकी हो या संग तराशी, ये सारे नाम आर्ट से मरबूत हैं। यूँ तो किसी भी फन पारे की कदरों मंजलत से इनकार मुमकिन नहीं है, मगर कुछ नमूने ऐसे रिफत के हामिल करार पाए जाते हैं कि उन्हें शाहकार का दर्जा नसीब हो जाता है। ये लैलो नहार की गर्दिश और वक्त की धूल से मावरा क्लासिक का रूप धार लेते हैं। लुगवी एतबार से क्लासिक्स एक लातीनी इसमें सिफ्त है जिसके मानी कदीम, आला दर्जे का और मुस्तनद लिए जाते हैं। कदीम रोम में उम्रा और वुरसा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा है। तारीखी पस मंज़र के लिहाज से बात करें तो दूसरी सदी ईस्वी में रोम के एक नाबगा इंशाया नवीस ने अदब की दो अकसाम मुतय्यन की।
यानी एक वो कि क्लासिक्स बराए उमरा यानी एक एक को उमरा से जोड़ दिया गया और दूसरे को ज़ैली तबका से। बकौल उनके यानी इस तरह से लफ्ज़ क्लासिक का ज़हूर हुआ यानी बुलंद दर्जा की हामिल एक तसनीफ जो हर एतबार से कामिल हो। यूरोप में निशात सानिया से 18वीं सदी ईस्वी तक यूनानी और लातीनी अदब का आला दर्जे का नमूना गर्दाना गया। इस तरह क्लासिक से मुराद कदीम यूनानी और रूमी अदबियात आलिया समझा जाता रहा है। बाद में आने वाले अदवार में भी क्लासिक से मुराद ऐसी तख्लीकी काविश है जो हुस्ने तरतीब के एतबार से इंतहाई दर्जा की मौजू तनासिब के लिहाज से मतवाजन हो। इंसानी ज़िंदगी और इससे जुड़े दो नागज़ीर पहलू सच्चाई और खूबसूरती के फनकाराना इजहार का नाम भी क्लासिकियत है। ये अमर किसी किस्म के सबूत का मुतकाजी नहीं है कि इस तरह की तख्लीकी काविश अपने अंदर एक आलमगीर तलब समोए रखती है। इसकी तौजीह ये है कि मोहब्बत खूबसूरती सच्चाई ज़हूर तरतीब ये सब वो अनासर हैं जो जुमला इंसानों की बुनियादी जिबिलत की तस्कीन के पीछे कार फरमा होते हैं। अगर हम तारीख का बगौर मुतालिया करें तो कबल अज़ मसीह के बेशतर ऐसे फ़न पारे हैं जो क्लासिक का दर्जा रखते हैं। मसलन यूनानी दौर का इब्तदाई अदब रज़मिया शायरी पर मुश्तमिल हो, इसके अलावा होमर की बुलंद पाया ओडेसी हो या फिर सोफोक्लीस और यूरिपिडीज के लाजवाल अलमिया ड्रामे हों। ये तमाम ऐसी मारकातुल आरा तसानीफ हैं जो क्लासिक के ज़िम्रे में आती हैं। सकरात, अफलातून, अरस्तू ऐसे बेमिसाल फ़िलासफ़रों की साइंस अदब इखलाकियात व माबाद तबियात पर मुश्तमिल किताबें अदबियात आलिया गर्दानी जाती हैं। अहले रोम को कुदरत ने वर्जल जैसे दरख्शां सितारे से मुनव्वर किया जिनकी जुमलाए तख्लीकी सरगर्मियां बतौर नमूना क्लासिक की बहरे तौर तारीफ पर पूरा उतरती हैं और मोतबर समझी जाती हैं। रातों को शमा की जगह आँखों का नूर जलाने वाले आर्ट के दिलदादा
आने वाली नस्लों पर ना मिटने वाले नकोश छोड़ गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि दांते की फाउस्ट, विलियम शेक्सपियर का हेमलेट, मिल्टन की जन्नत गुम गश्ता, फ्लाइबर का शाहकार मादाम बवारी, जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडस, इसके अलावा मोपसा का शाहकार अफसाना द नेकलेस, माइकलो एंजलो का डेविड, डिकार्ट की फ़लसफ़ा के असूल, या फिर रूसी अदीब गोगोल का डेड सोल्स, जिसने टॉल्स्टॉय और दस्तोफिस्की पर एक गहरा और अमीक असर छोड़ा। हर एतबार से ये तमाम तख्लीकात, ये तमाम पर्सनैलिटीज़ दुनियाए अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। ये तो बात थी मगरिब के हवाले से। अगर मशरिकी हवाले से देखें तो कालिदास का शाहकार ड्रामा शकुंतला, मौलाना रूम की मसनवी, सादी शहराज़ी की गुलिस्तान व बूस्तान, अमीर खुसरो, उमर खयाम, सुल्तान कली कतब शाह, इसके अलावा वली दकनी, मीर और गालिब, क्लासिक की हर तारीफ पर पूरा उतरते हैं। क्लासिकियत को अज़ल से रुमानियत के बिलमुकाबिल रख के दोनों मकतबा हाय फ़िक्र के का बागौर अगर जायज़ा लेना नाकदीन का दिलचस्प मौजू रहा है। रुमानियत को हमेशा क्लासिकियत के तजाद के तौर पर देखा गया है। इंसानी आला इखलाकी अकदार की तरवीज अक्लो मंतक पर मिनुअन एतमाद और कामिलो गैर जानिबदार रुझान क्लासिकियत के लिए हर सूरत लाजमो मलजूम है। जबकि दूसरी तरफ एहसासात का गलबा, ख्यालात की परवाज़ इंसानी जबिलतों के आगे सर तस्लीम खम करना, विजदानी कैफियतों से नफूस पजीर सरगर्मियाँ, जमालियाती हिस की तस्कीन की खातिर पुर इसरार दुनिया की खोज में रुमानियत के शारे हैं। बकौल गोयटे, क्लासिकियत सेहत व शफा का नाम है, जबकि रुमानियत ज़हनी हिजान का नाम है। नफ्सियाती दर्जा बंदियों के एतबार से भी फ्राइड की सुपर ईगो क्लासिकियत के मुतरादिफ है। साइंस की तरक्की ने किसी हद तक पुराने नज़रियात व अकदार का बुतपाश किया तो एक नई तर्ज की आर्ट सामने आई, जिसने कदीमों मतरूक पैमानों से मुंह मोड़कर नई सिमत को सफ़र किया। मगर 18वीं सदी ईस्वी के वस्त में यूरोप में एक तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसे न्यू क्लासिज़म का नाम दिया गया। इसका मकसद कदीम क्लासिकी नज़रियातों अतवार को फिर से ज़िंदा करना था, यानी
ادب، مصوری، فن تعمیر اور فن نقاشی میں اعلیٰ پائے کے رجحانات کا احیاء کرنا مقصود تھا، مگر اس طرح کی کاوش کو ناقدین نے محض سوڈو کلاسزم اور نام نہاد ادبیات عالیہ قرار دے کر اس کی مناسب تفریق کر دی۔ ٹی ایس ایلیٹ، ایک معروف مغربی نقاد، نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ کلاسیکیت کا رومانویت سے موازنہ کرتے ہوئے کلاسیکیت کی فوقیت کو دوام سے ہمکنار کروایا ہے۔ ان کے بقول کلاسک کامل ہے، جبکہ رومانویت ایک وقتی کاوش کا نام ہے۔ ایک کو وقت کی قید و بندش سے رہائی حاصل ہے، جبکہ دوسرے اس کے ہاتھوں مقید ہے۔ کلاسک پختگی و حسن ترتیب کا نام، جبکہ اس کی حریف ناپختہ و ہجانی کیفیت ہے۔ کلاسک کے مفہوم کے اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی چیز کو حد درجہ مقدس قرار دے کر اس پر رائے زنی کرنا روانہ سمجھیں۔ اور تنقید سے ماورا اقرار دیں، اصل میں ہر وہ شے جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اس کے اس منصب کے پیش نظر ناقدین کی سالہ سال کی فکر اور غیر جانبداری کار فرما ہے۔ مختصر یہ کہ اعلیٰ پائے کی کاوش، یعنی اعلیٰ پائے کی تخلیقی کاوش، جس کا اثر دیر پا ہو اور ہر زمانے میں معتبر سمجھی جائے، کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ مطلب صرف اس کا ماضی سے تعلق رکھنا کافی نہیں، اس کا اثر ہر زمانے میں ہونا چاہیے اور وہ معتبر بھی سمجھی جائے۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ دیر پا اثر رکھنا ضروری ہے۔ ریپبلک ہو یا پوئٹکس، ڈیوائن کامیڈی، کنگ لیئر، مڈل مارچ، کرائم اینڈ پنشمنٹ، فردوسی کا شاہنامہ، شاہ حسین کی کافی، دیوان غالب یا ہیگل کی فلاسفی، دنیائے آرٹ میں کلاسک کی ہر طرح کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ یعنی اتنے برس پہلے لکھے جانے کے باوجود آج تک اپنی مقبولیت نہیں کھوئی۔ کلاسک کا لفظ جو ہے وہ پہلے پہل یونانی اور رومی اسالیب اور فن پاروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ایسے ہر ادب پارے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اپنی عظمت، فن اور پائیدار خصوصیات کے باعث زمانے کی کسوٹی پر پورا اترا ہو۔ سانبو کی یہ عبارت
क्लासिक की एक अबूरी तारीफ का काम दे सकती है। फ़नी लिहाज से क्लासिक से मुराद एक ऐसा पुराना मुसन्निफ़ है जिसे पसंदीदगी की खलत से नवाजा जाए और उसे उसके मखसूस असलूब में सनद माना जाए। टी एस एलियट ने पुख्तगी या कामलियत जैसे अल्फाज के ज़रिए क्लासिक के मफहूम को वाज़े करने की कोशिश की है। उसने क्लासिक से बहस करते हुए और उसको हदूद व शरायत के तायुन में अपने सामने रखा है, क्योंकि वर्जल जो है वो मुत्तफिका तौर पर क्लासिक है। टी एस एलियट लिखता है, हम क्लासिक की खा कोई भी तारीफ़ करें, लेकिन कोई भी तारीफ़ ऐसी नहीं हो सकती जिससे वर्जिल को खारिज किया जा सके। वर्जिल के अलावा होमर और दांते के क्लासिक होने पर भी बेशतर नकादों का इत्तफाक है। मशरकी अदबियात में, जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि फरदोसी का शाहनामा और मौलाना रूम की मसनवी क्लासिक करार दिए गए हैं, और सैयद आबद अली आबद ने हाफिज़ की गज़ल, वली दकनी की गज़ल और गालिब की गज़ल को भी क्लासिक करार दिया है। टी एस एलियट ने क्लासिक के मफहूम को वाज़े करने के लिए पुख्तगी और कामलियत का जो ज़िक्र किया है, तो उसके मानी ये हैं कि जब एक तहज़ीब उसकी माशरत, उसका अदब, उसकी ज़ुबान और एक मुश्तरक असलूब तंज़ीम, इस्तेहकाम, तवाज़न और हम आहंगी जैसी सिफात की तवील तहज़ीबी अमल के बायस पुख्तगी के मुकामो अरूज तक पहुंच जाता है, तो एक बालिगे नज़र वसीउल मशरिब और पुख्ता ज़हन अदीब या शायर पैदा होता है जो अपनी किसी तसनीफ के ज़रिए ज़ुबान के जुमला इम्कानात को काम में लाते हुए तहज़ीब के उस सारे फैलाव को इस तरह समेट लेता है कि इस ज़ुबान, कौम या तहज़ीब की रिफ़तों और अज़मतों का नुमाइंदा बन जाता है। चुनाचे वर्जिल इन्हीं मानों में टी एस एलियट के नज़दीक रूम के शऊर की हैसियत रखता है। सैयद आबद अली आबद ने गालिबन टी एस एलियट के इन्हीं अफकार की रोशनी में मशरकी अदबियात पर नज़र डालते हुए फरदोसी के शाहनामे को ससानियों के ज़माने की ईरानी सकाफत का नुक्ते अरूज, हाफिज़ को अलगानी तमद्दन के धारे की बुलंद तरीन लहर और वली को दकनी सकाफत का नुक्ते अरूज करार दिया है। सैयद आबद अली आबद ने क्लासिक के सिलसिले में जो बातें कही हैं, उनका ख़ुलासा उन्हीं के अल्फाज में ये है
یعنی جہاں تک معنی، مغز اور خیال کا تعلق ہے۔ کلاسک ایک تو ان مطالب پر مشتمل ہوتا ہے جو آفاقی اور عالمگیر ہیں، دوسرے اخلاقی محاسن کا حامل ہوتا ہے، اور تیسرے کلاسک کی تصنیف اس وقت ہوتی ہے جب ماحول سازگار ہو، اور بالعموم اس کے بعد متعلقہ ملت یا قوم کا سیاسی اور معاشرتی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حیث کے اعتبار سے کلاسک کے اسلوب میں متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ جذبے کی شدت کی بجائے احساس کا استحکام ہوتا ہے، اور کلاسک کا اسلوب زبان کے تمام امکانات معنی کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی کلاسک کی اصطلاح مصنف اور تصنیف دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مغربی حوالے سے اور مشرقی حوالے سے جو جو تصانیف، جو جو فن پارے کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں، ہم نے تھوڑی بہت ان پر بات کی، اور مختلف ناقدین کس طرح تصنیف کو اور پرسنالٹی کے جو خصوصیات ہیں ان کو کلاسک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ہم نے اس پر بات کی۔ کلاسک، کلاسیکی اور کلاسیکیت کے حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔